तो गाइस सभी लोगों का वेलकम बैक हो गया हीरो ब्राइन एसएमपी में एक और बार। तो गाइस देखो, मैंने एक चीज देखी, ठीक है, मैंने देखा अज्जू भाई हमारे एरिया में आए, हमारी चुपचाप बातें भी सुनी और उसके बाद हम लोगों का हम लोगों को छोड़ो भाई, करेक्ट मेरा वाला ही बीकन चुरा के ले गए। और पता नहीं क्यों बीकन के बाद वो एमरल्ड की सिर्फ 9 ब्लॉक चुरा के लेके, जबकि वहां पर 164 ब्लॉक थे, बट ठीक है कोई बात नहीं। और बाकी यार ये सब हो गया और हमें पता भी नहीं चला, तो इसका मतलब समझ रहे हो अज्जू भाई कैसे आ गए इतनी जल्दी एकदम यहां पर। तो मैंने सोचा और मुझे कुछ भी पता नहीं चला, सही में कुछ भी पता नहीं चला, पता नहीं कैसे, लेकिन ठीक है वो कैसा है मुझे नहीं पता। बट फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि वेट अ मिनट, अगर अज्जू भाई यहां आ सकते हैं तो हम भी तो वहां जा सकते हैं ना, लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है हम जब भी वहां पर जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि आज मैं एक सीक्रेट टनल बनाने वाला हूं यहां से हीरो ब्राइन मेन सिटी तक का, मतलब उज्जवल भाई जा रहे हैं क्योंकि उज्जवल भाई ने बोल दिया कि अब वहां पर कोई भी नहीं रहेगा। तो हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि सही में वहां पर कोई भी रह रहा है या नहीं रह रहा है और वहां पर क्या क्या प्लानिंग चल रही है और अज्जू भाई ने आखिर मेरा बीकन जो चुराया है वो रखा कहां पर है, क्योंकि उन्होंने कहीं तो लगाया होगा ना, इट्स अ बीकन तो वो कहीं तो लगाएंगे उसको, तो हम लोग वो भी चेक कर सकते हैं कभी भी। बाकी गाइस इस वाली वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 150K का, 1.5 लाख लाइक का गोल रख रहा हूं। अब मैं बताता हूं क्यों, अगर तुम लोगों ने ये गोल कंप्लीट कर दिया तो तुम लोग अगली वीडियो मैं मेरे को चिकना देखोगे, बिल्कुल सही, मैं फुल क्लीन शेव कर दूंगा अगर तुम लोगों ने इस वाली वीडियो पे 1.5 लाख लाइक कंप्लीट कर दिए। तो नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके यार, इट्स ओके, बट अगर कर दिया तो तुम्हें पता है स्टेक्स कितना है, ठीक है ओके। तो चलो गाइस हमारा सीक्रेट टनल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड के पोशन रख लेते हैं और मैं तो कहता हूँ थोड़े से ना बना भी लेते हैं, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बहुत सारा वाटर बढ़ लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं फटाफट से, मेरे को 2 मिनट दो, मैं जल्दी से यहाँ पर एटलीस्ट 3-3-6 और बना लेता हूँ, ठीक है। हम लोग ने बस 6 और बना लेने और उसके बाद अपना काम हो ही जाएगा, ठीक है। तो मेरे को 2 सेकंडों में बस आ रहा हूँ। तो गाइस हम लोगों के शायद से पोशन रेडी होंगे, यस गाइज हम लोग के पोशन हो चुके हैं रेडी, ठीक है। जस्ट हम लोग जब आए तभी रेडी हुए और मैं ये बचे हुए वाटर बॉटल यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो देखो दोस्तों मेरे पास एक आइडिया, इस बार ना मैं लोकेशन रिवील नहीं करूंगा कि मैं ये बना कहाँ पे रहा हूँ, ठीक है। और ये देखो मैंने थोड़ा सा ये ब्रॉड कर दिया, मेरे को इसको ठीक करना पड़ेगा शायद से, बट ये मैंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया क्योंकि हर बार आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो देखो मेरे पास एक चीज़ है, मेरे को एक चीज़ बताओ, देखो मैं क्या करने वाला, मैं इस बार लोकेशन नहीं दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या लोग इसको ढूंढ पाते हैं एसएमपी में कि ये कहाँ पर है एग्जैक्ट, क्योंकि इसका मैं एंट्रेंस भी बहुत सीक्रेट बनाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि खुली हुई जगह होगी कि तुम जाओ और आ जाओ, ठीक है। तो इसका मैं एंट्रेंस भी एकदम सिक्योर बनाने वाला हूँ और दूसरी बात ये मैं ऐसी जगह पे बनाऊंगा जो मैं तुम्हें भी नहीं दिखाऊंगा, ताकि तुम लोगों को अगर पता नहीं चलेगा तो समझ लो कोई एसएमपी का बंदा ये वीडियो देख के कहीं कुछ काम वाम ना कर ले। तो इसलिए 1 मिनट रुको, पहले मुंह में पट से, ओके नाइस, ठीक है। तो देखो इस बार मैं ऐसी जगह पर बनाने वाला ना कि तुम लोगों को भी पता नहीं होगा कि वो कहाँ पर है, कि हम लोग ये कहाँ पर बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। बट अगर ये वो लोग नहीं ढूंढ पाते नेक्स्ट स्ट्रीम तक का, तो हमें पता चल जाएगा कि हम पे कोई स्पाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बाय चांस मैं यहाँ पर हूँ और अभी भी अज्जू भाई या कोई भी अगर हमको देख रहे हैं तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ पता हो जाएगी कि क्या हम लोगों को कोई देख पा रहा है, लाइक कोई हमको चुपचाप स्पाई तो नहीं कर रहा है ना कहीं से, कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा और हमारे पास ऊपर नज़र रखी जा रही है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, किस टाइम क्या कर रहे हैं। तो मैं एक सीक्रेट जगह पर जाता हूँ जहाँ से हम लोग उस टनल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं तुमको मिलता हूँ उस जगह पर इन 3-2-1। देखा दोस्तों 2 सेकंड में चुटकी बजा के देख रहे हो, वामू 2 सेकंड में आ जाता हूँ ब्रोम। देखो हम लोग जो एंट्रेंस है ना वो तो हम लोग एकदम सीक्रेट वाली ले लेंगे, जो कि होगी एकदम सीक्रेट स्टेयर्स, जैसे कि तुम लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा होगा। रुको मैं एक काम करता, लाइट हाथ पे रख लेता हूँ क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, ठीक है। हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर एंट्रेंस जो कि वो तो मैं एकदम सीक्रेट वाली बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, कि मतलब ऐसा हम लोग बटन रखेंगे और खटखट सीढ़ियाँ निकलेंगी और उसके बाद हम लोग जा सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूँ जस्ट इन केस, समझ रहा ना कि ऐसा एकदम से जाते ही मुँह में नहीं पड़नी चाहिए, वरना फिर लोगों को पता चल जाएगा और बाकी जो हम लोग वो बनाने वाले उसको भी थोड़ी जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं खाली 3 ब्लॉक और नीचे जाने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधा डिगिंग करेंगे। कहाँ पर तुम लोग समझ रहे हो ना, कहाँ पर भाई, यहाँ से सीधा हीरो ब्राइन एसएमपी मेन सिटी की तरफ को। तो मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है, तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं एक 2x2 का मस्त यहाँ पर होल डिग करता हूँ, कम से कम नहीं भी तो 1000-2000 ब्लॉक का ब्रो, मजाक से मजाक भी नहीं करो, मेरे को यहाँ पे 1000-2000 ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे। ये बहुत मेहनत का काम है, बट ये देखना फ्यूचर में हम लोगों को वॉर में काफ़ी हेल्प करने वाला है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। और हम लोगों को जैसे उन लोगों को हमारे सारे सीक्रेट्स पता चलते जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग उनके भी थोड़े बहुत सीक्रेट्स पता कर पाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। मेरे को लिटरली 15 मिनट हो चुके खोदते हुए और आई एम नॉट इवन क्लोज, मैं तुम्हें F3 करके नहीं दिखा सकता वरना तुम्हें लोकेशन पता चल जाएगी, बट बिलीव मी ब्रो हम लोग आस पास भी नहीं आए और मैं 15 मिनट से सिर्फ अभी के लिए 1x1 खोद रहा हूँ, फिर मैं वहाँ से वापस आते वक्त ये जो लेफ्ट वाला है ना मेरा इसको खोदूंगा,
लेकिन वहाँ से वापस आते वक्त तो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि मेरे को कितना टाइम लग चुका है, बट हम लोगों ने अभी आधा रास्ता भी नहीं करा है ब्रो। और ये बहुत बोमरिंग काम है, काश मेरे पास हेस्ट होता भाई, लिटरली मैं पता चीरते भी निकल रहा होता, सीधे खड़े खड़े में भाई चल रही होती मेरी तलवार भी, मतलब पिकैक्स मेरी। जी यार लगेगा अभी थोड़ा और टाइम लगेगा दोस्त। ओके तो दोस्तों मैंने जो अपना जेड होता है ना वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है जेड हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, हम लोग जेड एकदम परफेक्ट एरिया पे आ चुके हैं। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता वरना फिर लोकेशन रिवील हो जाएगी अभी के लिए, लेकिन हाँ नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं गारंटीड दिखा दूंगा कि इसका एंट्रेंस एग्जिट सब कुछ एकदम। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सीक्रेट रखेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे पर पूरे टाइम पे क्या कोई नज़र रख रहा है ब्रो। क्योंकि जिस हिसाब से अज्जू भाई ने वो किया था मेरे को उस टाइप से तो थोड़ा लगा था कि हाँ यार हम पे कोई तो नजर रख रहा है, बट देखते हैं अभी, ठीक है। मैंने बाय द वे यहाँ पर देखो पूरा का पूरा कर दिया है, ठीक है। हम लोग वो वहाँ से अगर हम यहाँ से सीधे जाते हैं ना ब्रो तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे पता है, हम लोग सीधे अपने घर पर पहुँचेंगे, मतलब घर पर नहीं मतलब जो हमारा वो है बीच हाउस है वहाँ पर पहुँचेंगे। घर तो हम लोग अभी घर के आसपास हैं, करेक्ट नहीं बताऊँगा। तो हम लोग एक तरह से जेड एक्सेस में आ गए, अब हम लोगों को अपनी एक्स एक्सेस को भी सही करना है, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे इस साइड को, ठीक है, यहाँ को हम लोग एकदम सीधा सीधा जाएंगे, ठीक है, अब इस साइड को। तो मेरे को दो सेकंड और दो, रुको एक मिनट इसे मार लेता हूँ, ठीक है। चलो अब मेरे को दो सेकंड और दो, मैं आता हूँ आधे घंटे में दोबारा से, ठीक है दोस्तों। मेरे को दो सेकंड दो, फटाफट से वापस आता हूँ इसको इधर को खोद के। हम लोग को अब नहीं भी तो 900 ब्लॉक शायद से इस साइड को खोदने हैं, और अभी यही रिवर्स में खोदना है, तुम समझ रहे हो, यही चीज़ मेरे को सेम टू सेम रिवर्स में भी करनी है अभी। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने वहाँ तक का रास्ता बना दिया है जहाँ तक का हम लोगों को चाहिए था, ठीक है ना। हम लोगों ने पूरा ऐसा जिगजैग करके बनाया, बट यस हम लोगों ने जहाँ तक हमें SMP में जाना है, मतलब मेन सिटी में हमें जहाँ तक जाना है, मैंने वहाँ तक का रास्ता पूरा बना दिया। पहले इसको ढक देता हूँ, वैसे एक्चुअली मेरे को पता नहीं कि मेरे को क्या पता इसको दोबारा से तोड़ना पड़े, क्योंकि मेरे को यार समझ रहा हूँ मुझे एक कम से कम मतलब समझ रहा हूँ मतलब थोड़ा कंजेस्टेड नहीं हो रहा अभी वन बाय, मतलब ऐसे गड्ढे में सही नहीं रहेगा, थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि हम लोग इसमें आराम से चल पाएँ और एटलीस्ट दो बंदे एक साथ चल पाएँ, ठीक है। तो हम लोग करेक्ट उस जगह पर आ गए जहाँ पर हम लोगों को जाना है, समझ रहे हो, जहाँ से हम लोगों को ऊपर जाना है। तो चलो एक बार चलते हैं ऊपर की साइड को, ठीक है, और देखते हैं कि क्या है हमारे सर के ऊपर। आई होप हम लोग करेक्ट ऐसे, क्योंकि जहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट रखे हुए वो तो परफेक्ट है ये एरिया, ठीक है, यहीं हम लोगों को जाना था। तो मेरे ख्याल से हम लोग सही जगह पर आए, बट देखते हैं, आई होप मैं गलत जगह पर ना आ गया हूँ, ठीक है। प्लीज़ भगवान प्लीज़ यार, बहुत भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ भगवान कसम, मेरी ना उंगली में दर्द हो गई है पता है, छोड़ रखे रखे। ओह गाइस ये खुला आसमान, लेट्स गो, स्काई रेल दिख गई मेरे को, लेट्स गो, इसका मतलब हम लोग एकदम परफेक्ट जगह पे आ गए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं SMP में, तो इसका मतलब मेरा एकदम परफेक्ट बना है, और मैं किस साइड से आया हूँ तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा लाइक कि मैंने कहाँ से निकाल रखा पूरा का पूरा टनल, ठीक है, तो कोई इसको ढूंढ भी नहीं पाएगा। और बाकी यार ये तो देख रहे हो तुम लोग भाई हीरो ब्रांड टावर, यार यहाँ पर बहुत खतरनाक चीज हुई थी, बट यस एनीवेज, ठीक है। ओह यहाँ पर, ओह यहाँ पर बीकन कब आया दोस्तों? ओके शायद से मैं फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ, गाइज मेरे को बताना अगर तुम लोगों को पता है ये बीकन कहाँ से आया है तो मेरे को बताना जरूर यार। लाल रंग लड़ाई का दोस्तों, वो अपना द मोस्ट यूजफुल थिंग यार, अरे बहुत प्यारा भाई, आहा भाई बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना, तुम लोग बहुत इसको नाम रखते हो। बाय द वे लाइट जा चुकी है यार, मेरे को लिटरली काफ़ी टाइम हो चुका खोदते हुए, और अभी तो मेरे को इसी चीज़ को वापस लेके जाना है और बड़ा करना है, समझ रहे हो तुम लोग, इस चीज़ को वापस लेके जाना है और बड़ा करना है, और उसके ऊपर से सीक्रेट स्टेयरकेस भी बनाना है। तो भाई बहुत सारा काम है, मैं फटाफट से वापस चलता हूँ वहाँ पर बेस में, मतलब बेस में नहीं वापस चलता हूँ अंडरग्राउंड, और वहाँ पर खोदना स्टार्ट करता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर के लिए एक सीक्रेट और चुपचाप वाला टनल बना सके, ताकि हम कभी भी यहाँ पर आ सके और सब लोगों को नजर रख सके। क्योंकि देखो दोस्तों जो हमारा अपोजिशन है वो बहुत चलाक है, ठीक है ना, वो लोग हमारे पर पूरी नज़र रख रहे हैं, और अगर हम नहीं रखेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज में रहेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं फटाफट से जहाँ पर मैंने वो बना रखा है, और मैं मिलता हूँ तुमको दो मिनट में, सीधे वहीं मिलते हैं, और उसके बाद मैं तुमको आगे का प्लान समझाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ करने के और कैसे करेंगे। ओके तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वापस, ठीक है, हम लोगों के जो सीक्रेट जगह है वहाँ पर। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो पहले मैंने जो चीज़ करी हुई थी वो तो हम लोग करेंगे, जैसे हम लोगों ने सोचा था कि एक लेफ्ट साइड पे भी ऐसे करके हम लोग क्या कहते हैं डुअल बना के चलेंगे, बट सोचो कि अगर मैं यहाँ पर ट्रैक लगा दूँ, ट्रेन ट्रैक लगा दूँ या फिर कुछ भी कर दूँ, ठीक है, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा लाइक समझ लो कंजेस्टेड सा हो जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ऊपर से दो, ठीक है, और नीचे से भी दो, ये ऐसे समझ रहे हो, ऊपर से दो नीचे से दो और साइड से भी, मतलब ऐसे देख रहे हो, एटलीस्ट चार की थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, समझ रहे हो ना तुम लोग, थोड़ा सा मतलब सांस लेने की भी जगह होगी, ऐसा नहीं होगा कि
बहुत ज्यादा वो हो रहा है। मेरे को पता है इसमें मेरी पिकैक्स की बहुत वाट लगने वाली है, मेरे को 2-3 बार तो जाना ही पड़ेगा नेदर ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ एटलीस्ट काम अपना कंप्लीट हो जाएगा और जितनी जल्दी काम हो जाए उतना बढ़िया है। बट यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती का जल्दी का काम हो गया और लास्ट में बेकार बन गया, ठीक है? तो बेकार मुझे उसे करना नहीं है, तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं सीधे मिलूंगा तुम लोगों को घर पे, इसको करते कंप्लीट फटाफट से, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, मेरे को पता है बॉस गैंग की इसमें हेल्प लेनी चाहिए थी, मेरे को सब लोगों से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम सबको मदद करेगा जो हमारी वॉर होने वाली है उसको जीतने में। तो दोस्तों मैंने देखो कितना कर दिया है ब्रो, मैंने लिटरली इतना ज़्यादा इसको कर दिया ना, परफेक्ट बन रहा है। हाँ ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, मैं पता नहीं क्या फ्लो में, भाई 1.5 घंटे हो चुके हैं मेरे को ये चीज़ तोड़ते, ठीक है? तो मैं फ्लो में इसको लिटरली आगे को और लेके जा रहा था। हाँ ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये मेरे को गड्ढे वड्ढे भरने पड़ेंगे पीछे भी जाकर। तो गाइस अब आगे क्या होगा, देखो ये आगे को ले जाना मेरे ख्याल से लास्ट है, ये हमें सीधे हमारे घर तक ले जाएगा। तो थोड़ा काम है पर आई गेस हो जाएगा आज, अगर हो गया तो, और मेरी पिकैक्स नहीं टूटी तो, लाइक मेरे पास 540 ड्यूरेबिलिटी है, देखते हैं। मैं इसको दो बार रिपेयर कर चुका हूँ, फुल्ली रिपेयर नहीं करा, बट ये इसको मैं 2 बार रिपेयर कर चुका हूँ, बट ये फिर से HP पे आ चुकी है, थोड़ी देर बाद रेड हो जाएगी। तो मेरे को 2 मिनट और दो, मैं बस आ रहा हूँ, ठीक है? मैं बस आ रहा हूँ दोस्तों। ओ यस गाइस, फाइनली हम लोगों ने यार बना दिया है, ठीक है? टनल हो गया कंप्लीट आई गेस। रुको जरा एक बार, पहले मैं इसको पूरा का पूरा ऐसा सही कर देता हूँ, ठीक है? तो देखो ये तो कंप्लीट है भाई, ये 4 की हाइट में मैंने खींच ही दिया ब्रो, फाइनली 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यस 4x4 का टनल कंप्लीट है ब्रो, यस बॉयज हम लोगों का 4x4 का टनल बिल्कुल कंप्लीट है। रुको इसको भर देता हूँ मैं, ये गलत तोड़ दिया मैंने, ज़्यादा ही आगे तक आ गया था। और मेरी एक बार पिकैक्स की कोई HP देख लो भाई, 206 HP भाई लिटरली, मैं इसको 2 बार और हील करके आ गया उसके बाद ये 206 HP है, सोचो। और मेरे को सच्ची बताओ तो मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ बिल्कुल आँख बंद करके ऐसे नींद में, तो भाई ये टूट भी जाती है ना, मेरे को पता भी नहीं चलता, पता तुम लोगों को कि ये टूट गई है करके, मैं ये सही में टूट भी जाती ना चप्पल 5.0 बनाते हुए दिखता मैं तुम लोगों को अभी इसी वीडियो में, मेरे को लिटरली पता भी नहीं चलता कि ये मैंने तोड़ दी है, ठीक है? तो हम लोगों ने देखो टनल पूरी हो गई है गाइस। अब देखो मेरे पास जो आइडिया था, मैं बताऊँ तुम लोगों को, मेरा मन जो था वो बहुत ज़्यादा ये बोलता था कि हम 2 में आइस रखें और उस पर बोट करते हुए जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर है, राइट? समझ रहे हो, इससे बढ़िया तो हम लोग नेदर से चले जाएंगे। बट ये एक तरह से वो तरीका है कि नेदर में देखो हमें पोर्टल खोलने पड़ेंगे, पोर्टल पहले से खुले हुए तो हम पोर्टल से आएंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन हम लोगों को एक सीक्रेट जगह चाहिए जहां से हम चुपचाप आए जाएं, उन लोगों को पता भी ना चले कभी कि हम लोगों को वो नेदर में पकड़ ले या फिर कुछ ऐसा, वो लोग हम लोगों को कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे इस चीज़ से, और अगर हम लोगों को कभी भागना पड़ा तो हम लोग भाग भी सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था कि हम लोग वहाँ पर थे उनके वहाँ और ये लोग यहाँ आ चुके थे, बम बम फोड़ रहे थे, तो हम लोगों को बहुत दूर से ऐसे चल फिर के आना पड़ा, तो अगर हमारे पास होता तो हम लोग यहाँ से सीधा आ जाते। तो देखो मेरा इनिशियल आइडिया क्या था, मैं तुम लोगों को मेरा बेसिक आइडिया ये था कि हम लोग एक सिंपल सी चीज़ करते हैं कि यहाँ पर बीच में आइस रखेंगे और फुर्र करके बोट करते हुए जाएंगे, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। सबको पता है कि आइस बोट लाइक 2nd या 3rd मोस्ट सबसे फास्टेस्ट वे ट्रैवल करने का माइनक्राफ्ट ओवर वर्ल्ड में, तो वो चीज़ थी। बट उसके बाद मेरे को ये पता चला कि इतनी आइस तो मैं कभी ला ही नहीं सकता ब्रो, जब तक मैं इसको खोद रहा था मेरे को समझ में आ गया था कि इतनी आइस तो मैं कभी ला ही नहीं सकता यार, ये कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा हो जाएगा, पता तुम लोगों को अगर मैं लेने गया तो इतनी आइस मेरे को कम से कम नहीं तो ये 3-4 घंटे इसको करने में लगे, मेरे को उतना ही और ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला लेट्स डू वन थिंग, आइस नहीं लेके आते हैं, एक चीज़ करते हैं, हमारे पास ड्यूपर है राइट, हम लोगों के पास क्या कहते हैं पावर रेल और रेल ड्यूपर है, तो हम लोग रेल्स लगाते हैं अभी के लिए, हम लोग ऐसे साइड से रेल लगाएंगे, बीच का छोड़ देंगे। मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी आइस जमा करूंगा और इसमें आइस लगाते जाऊंगा, अभी नहीं लगाऊंगा मतलब सेम टाइम पे, बट मैं धीरे धीरे करके लगाऊंगा, ठीक है? तो वो चीज़ है। और बाकी यार गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा ही फट चुकी है ये करते करते, तो जिसने भी लाइक नहीं बटन दबाया लाइक वाला बटन दबा, लाइक नहीं बटन दबाया, देख रहे हो भाई क्या बोल रहा हूँ पता नहीं खुद से नहीं पता चल रहा है, तो जिसने भी लाइक वाला बटन दबाया प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दो, और जो भी नया प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल यार, 800K की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो चलो मैं रेल्स लेके आता हूँ और यहाँ पर रेल बिछाते सीधे करके, और एंड में हम लोग अपना जो डिसेंट वाला डोर बनेगा एकदम सीक्रेट वाला वो वाला बनाएंगे, ठीक है? पहले मैं जाके फटाफट से ड्यूपर लेके मतलब ड्यूपर से निकाल के लेके आता हूँ और उसके बाद जल्दी से करते हैं यहाँ पर काम वाम। तो चलो गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अब एक चीज करते हैं, देखो मेरे पास जो है अभी के लिए बहुत सारा कॉबलस्टोन है, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस अरे वो चेस्ट कहाँ गया जिसमें सारे डूब हो रहा, तो वो चेस्ट से हम लोग जितने हो सकते हैं उतने सारे ड्यूपर सारे के, कहाँ से आवाज आ रही भाई? एक चीज करते देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर ना पहले ये सारे का सारा फेंक देता हूँ, ठीक है? मैं सारा का सारा फेंक के, मेरे को ये सब नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं नहीं नहीं, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारी की सारी पावर्ड रेल और नॉर्मल रेल उठा लेते हैं, हम लोग वही करेंगे कि हर 4-5 नॉर्मल रेल के बाद पावर्ड रेल कर देंगे, ठीक है? तो ये हो गया, और रॉ आयरन भी हमको भी नहीं चाहिए, पावर्ड रेल रख लेते थोड़ी, और एक हम लोग पोशन ऑफ स्पीड अपने ऊपर मार लेते हैं,
और उसके बदले हम लोग पावर ड्रिल रख लेते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट में चलता हूँ और वहाँ पर पावर ड्रिल लगाना शुरू करते हैं, नॉर्मल ड्रिल लगाना शुरू करते हैं बस 2 सेकंड के अंदर, और फटाफट से चल के काम धंधा शुरू करते हैं। भाई लिटरली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं और काम वाम शुरू करते हैं, वरना कल सुबह को 9 बजे वीडियो कंप्लीट होगी और उसके बाद 12-1 बजे तक एडिट होगी और उसके बाद ही हो पाएगा जो भी होगा। बोम, तो मैं अपनी लैंटर्न लाना भूल गया था और बाकी सारा सामान तो मैंने अभी के लिए लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी दोनों रख लेते हैं अपने हाथ में, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग वही करने वाले जैसे मैंने तुम लोग को बताया, थोड़ी सी जगह छोड़ के बार बार पावर ड्रिल लगा देंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं करेक्ट सोचूं, क्योंकि ये बहुत लंबा टनल है, ठीक है। तो मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हमको दो चाहिए ही क्यों, लाइक एक एक जना एक दूसरे के। तो हम लोग क्या करने वाले, देखो हम लोग ना यहाँ पर रेल लगाते हैं, और मैं सोच रहा था कि दो लगानी क्यों है, एक ही को पहुँचाते हैं ना, बाकी साइड से आइस निकालेंगे और सेंटर से चलने का बना देंगे, क्योंकि तुम मेरे को इतना बताओ कि चाहिए क्यों, लाइक समझ रहे हो मेरी बात, सुनो कि दो रेल चाहिए क्यों, एक बंदे को अगर आना है तो वो उसके पीछे जस्ट पीछे बैठ जाएगा, दोनों फास्ट एक ही पेस में तो दौड़ेंगे ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक चीज़ करते हैं, अभी के लिए नहीं करते हैं ये सब, क्योंकि फिर वही है ना, हमारे पास टाइम की कमी है ब्रो, हम लोग इतनी जल्दी नहीं कर सकते। हाँ मैं कभी स्ट्रीम में अगर बना दूँ तो मैं दूसरा वाला स्ट्रीम पे बना दूंगा, और बाकी ये वाला तो है ही अपने पास, ठीक है। तो ये करते हैं फटाफट से, मैं इसको बनाता हूँ और उसके बाद तुम लोगों से मिलता हूँ जस्ट इन लाइक कितना, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा बट मिलते हैं थोड़ी देर में। और मेरे को यहाँ पर भाई लाइट वाइट का भी जुगाड़ करना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी वरना। ओके तो दोस्तों शायद से मैंने गलत बोला था कि हम लोग आधे रास्ते आ गए, हम लोग अभी तक का लाइक जहाँ पर SMPS के पास भी नहीं पहुँचे, ठीक है। और अपना ना ऑलमोस्ट सारा का सारा जितना मेरा सामान था वो सारा का सारा ख़त्म हो रहा है, अभी ख़त्म ही हो गया एक्चुअली, बट शायद से हम लोग SMP के ज़्यादा क्लोज है। एक मिनट, ओ वी आर एट SMP ब्रो, ठीक है NDK में सारे के सारे पावर ड्रिल लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है, ये लो देर वी गो, एंड में एक एक्टिवेटर ही लगा दूंगा जिससे खुद ही हमारे जो वो है क्या कहते टूट के निकल जाएगा, समझ रहे हो तुम लोग। ओ भाई लेट्स गो गाइस, हम लोग आ चुके हैं SMP के पास, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर वही करना है कि वो कार्ट वर्ट वाला काम करना है, और हो गया, मैंने बना दिया ब्रो, आई डिड इट, मैंने यहाँ से पूरा SMP तक का रास्ता बना दिया ब्रो एक रात में। तो हम लोग अभी यहाँ से ऊपर, वो रात हो रही है, हाँ तो हम लोग यहाँ से भी ऊपर चलते हैं फटाफट से और स्टार्ट करते हैं काम। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो अब हम लोगों को बनाना है तुम्हारा वो जो डिसेंडेंट ऐसा रास्ता होगा, राइट। हम लोगों ने अभी के लिए इतना तो कर दिया है, अब मेरे को बस रास्ता बनाना है नीचे आने का, और यहाँ पर लाइट्स के साथ साथ ये देख रहे हो रेडस्टोन का वो नहीं है, टॉर्च नहीं है, तो मैं क्या करने वाला, मैं इस साइड से देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीच बीच में यहाँ पर रेडस्टोन के टॉर्चेस लगा देंगे, ठीक है। ऐसे करके रेडस्टोन के टॉर्चेस लगा देंगे, और यहाँ पर दो हम लोग लगाएंगे उससे क्या कहते हैं जो हम लोग सोच रहे थे कि स्लाइड करते हुए जाएंगे, वो हम लोग वो आइस यहाँ पर कोने पर लगा देंगे, ताकि ना थोड़ा सा ईजी भी हो, हम लोग थोड़ा राइट को रख के भी आइस को चला सकते हैं और हम लोग गिरेंगे भी नहीं। ओके चलो फटाफट से एक काम करते हैं, अपने घर से थोड़ा बहुत सामान उठा लेते हैं, जैसे कि हमको थोड़ा सा आयरन चाहिए होगा। ओके मेरा आयरन वाला चेस्ट वो एक मिनट में स्लाइम बॉल्स पड़ी थी क्या, डैम ब्रो, एंडर चेस्ट अभी भी है यहाँ पे, नहीं ना एंडर चेस्ट में अपने साथ उठा के ले गया था, तो मेरे को थोड़ा सा आयरन चाहिए था, अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। ओ यस ये रही ना माइन कार्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसको टेस्ट करते हैं, एक बार ही माइन कार्ट से जाते हैं अपने घर, फिर वहाँ से सारा का सारा रेडस्टोन का सामान लेके आते हैं, क्योंकि जो स्टेयरकेस होगा वो बहुत हार्ड है और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसमें भी। तो हम लोग जल्दी से जाते हैं घर पे और वहाँ से सामान लेके आते हैं सारा का सारा, मैं ये सारी की सारी चीज़ें, ओ भाई मेरे पास 30 सी लैंटर्न पड़े थे, मैं यहाँ से ले नहीं गया, मैं तुम लोगों को शायद से राइड करते हुए, अच्छा नहीं अभी चलेगा नहीं ना, क्योंकि हमारे पास रेडस्टोन के टॉर्चेस नहीं है, राइट। तो हम लोग को रेडस्टोन के टॉर्चेस और लाइट लेनी होगी, एक मिनट यार, लाइट और रेडस्टोन के टॉर्चेस मैं यहीं से बना सकता हूँ ना, मेरे घर में इतना सामान तो पड़ा हुआ है कि मैं आराम से लैंटर्न्स बना सकता हूँ ढेर सारी, कितनी चाहिए मेरे को, 2 स्टैक 3 स्टैक लैंटर्न ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगी, वो तो ऐसी बन जाएगी। और इनके पास शायद से यहाँ पर गोल्ड क्या कहते हैं उसका फार्म है, आयरन का फार्म है, तो हम लोग 2 मिनट में काम करते हैं, मेरे को 2 मिनट दो सारा का सारा सामान जमा करके, मैं मिलता हूँ तुम्हें अंडरग्राउंड, ठीक है। तो दोस्तों मैं सारा का सारा सामान लेके पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब हम लोगों को बस क्या करना है, देखो हम लोग एक चीज़ करते हैं, हम लोग ये सारी की सारी 64 लैंटर्न्स हम लोग अपने हाथ पे रख लेते हैं और एक काम करते हैं यहाँ पे लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो अगर बाय चांस मैं यहाँ पे आइस भी रखता तो हम लोग एक ब्लॉक ऊपर हो जाएंगे, राइट, मैं करके देखता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आइस भी रखते तो हम लोग एक ब्लॉक ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, और हम लोग ऐसे चलाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे सर पर अगर मैं ऊपर लैंटर्न लगाता हूँ तो हमारे सर पर लैंटर्न लगने वाली नहीं लगने वाली, ठीक है। तो हम लोग लैंटर्न ऊपर लगाते हुए चलेंगे और क्या कहते हैं यहाँ पर सेंटर पर हम लोग ये लगाते हुए चलेंगे, देखो ये, ठीक है। तो मैं ऐसे करने वाला, देखो ये जैसे ये एक्टिवेट करते हुए चलूंगा मैं यहाँ से, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके लगाते हुए चलेंगे और इसी के साथ साथ मैं ऊपर पे भी क्या कहते हैं वो लगाते हुए चलूंगा ऐसे लैंटर्न, ठीक है। तो चलो फटाफट से काम धंधा शुरू करते हैं और देयर वी गो, ठीक है।
भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होने वाला है मेरे लिए, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैंने पूरा का पूरा कर दिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक का ये रेल अब प्रॉपर काम कर रही है, और अब हम लोग बोल सकते हैं कि यस हम लोग एकदम शांति से अंडरग्राउंड सबवे से अपने बीच हाउस से लेके यहाँ तक आ सकते हैं। और मैं जब सोच रहा था ना इस पे, लाइक रुको एक मिनट है, बैठ के चलते हैं भाई, अब काम कर रही है तो अब खाली खड़े होकर क्या जाना है। तो मैं जब सोच रहा था इस चीज़ पे, तो मेरे को एक और चीज़ ध्यान में आई कि यार एक बात देखी जाए ना अगर, तो यार ये ना जिस समय पीस हो जाएगी ना, जिस समय लड़ाई सारी खत्म हो जाएगी और शांति हो जाएगी, तो ये सबवे बहुत काम आने वाला है, तुम लोग देखना। पता है कैसे काम आने वाला है? कि हम लोग लिटरली अरे अरे नहीं नहीं अरे रुक जा वो अकेली राइड है ब्रो, आखिरी राइड है वो। अरे यार चली गई। जैसे मैं बोल रहा था कि ये सब में बहुत काम आने वाला है जब लड़ाई पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोचो कि हमारे बीच हाउस वहाँ होंगे तो हम सारे हीरो ब्रांड एसएमपी के मेंबर्स एक साथ इसमें बैठ के आराम से वहाँ जा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसा उड़ उड़ के जाने का, या फिर समझ रहे हो ना, एफर्टलेस एकदम, बस इसमें बैठने का और सुर जाने का। और जब एक बारी मेरा थोड़ा काम कंप्लीट हो जाएगा, एक बारी मैं इसको जब पूरा बना दूंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब मैं इसको पूरा बना दूंगा, और यहाँ पर सोच रहे हो आइस होगी, तो आइस बकेट पे मतलब आइस के ऊपर हम लोग बैठ के बिल्कुल एकदम खतरनाक बोटिंग करते हुए जाएंगे भाई, क्या मस्त लगे। सोचो 9-10 बंदे आइस पर बोटिंग करते हुए जा रहे हैं भाई, बहुत क्रेजी। एक लास्ट चीज़ करनी है जो कि है हमारी क्या कहते हैं, जो डिसेंडिंग वाला बनेगा, जो हमारा सीक्रेट जो वो खुलेगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि उसको ना ही बनाया जाए, क्योंकि देखो कायदे से किसी को भी इसकी वैसे भी लोकेशन पता नहीं है, ठीक है ना, तुम्हें पता है ना, दूसरे एसएमपी मेंबर्स को पता है, इवन ईशान भाई मतलब हीरो मतलब बॉस गैंग के बंदों को भी नहीं पता, उनको मैं बताऊँगा, बट बॉस गैंग के बंदों को भी अभी के लिए पता नहीं है इसकी सीक्रेट लोकेशन, ठीक है। तो सोचो कि ये पहले से सीक्रेट है, हमको इसको और सीक्रेट बनाने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एसएमपी वाला पार्ट है, जो मतलब मेन सिटी वाला पार्ट है, वहाँ पर जरूर बनाएंगे एक सीक्रेट एंट्रेंस, लेकिन यहाँ वाली साइड से, अपनी वाली साइड से नहीं बनाते, अपनी वाली साइड से हम लोग सिंपल छुपा देंगे ना, मैं बायकॉट कर रहा हूँ, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा भाई। ओके, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा सीक्रेट डोर है वो हम लोग स्ट्रीम के टाइम पर बना लेंगे आगे पीछे, और बाकी अभी के लिए तो इसको यहीं पर करते हैं यार, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और मैं बहुत देर से इस वाली वीडियो में लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये मैंने सोचा था, पता मैंने क्या सोचा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ये सोचा था कि जो सीक्रेट एंट्रेंस है ना वो बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो रेडस्टोन का बहुत ज़्यादा काम है, और मेरे को रेडस्टोन तुम लोगों ने देखा कितना गंदा आता है, तो वो चीज़ और थी। बट अभी के लिए अब मैंने जब ये इतना कर दिया ना, इतना खोदना खादना, तो मेरे को लिटरली ब्रो 5.5 से 6 घंटे इसको करते करते हो गए, तो मेरी वाट लग चुकी है, मेरे को लग नहीं रहा कि मैं कर पाऊंगा, और कर भी दिया तो फिर मैं शायद से वीडियो का आउटरो ना दे पाऊँ, कल को वीडियो ना आ पाए, और तुम्हें पता है तुम्हारा भाई डेली एक वीडियो सुबह के 9 बजे डालने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देते हैं इसके साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को मज़ा आएगा, कि मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और थकान भी हो गई है इसको बनाते हुए, बट भाई अब हमारे पास एक सीक्रेट वे है यहाँ से हीरो ब्रांड एसएमपी तक का जाने तक का, और देखने का कि वहाँ पर क्या चल रहा है, लाइक अज्जू भाई बीकन चुरा के कहां ले गए हैं, और सब कुछ हम लोग अब चुपचाप पता कर सकते हैं, जैसे अज्जू भाई हमारी बातें पता करके गए, वैसे हम लोग वहां की नजर रख सकते हैं कि क्या उज्जवल भाई सही बोल रहे थे, जिससे मैं वो बोल रहे थे कि लाइक यहां पर कोई नहीं रहेगा, जो जीतेगा सिर्फ वही रहेगा, तो देखते हैं कि उन लोगों ने अभी तक का वहां से मूव किया नहीं किया, हम लोग सब कुछ अब पता कर सकते हैं चुपचाप, ठीक है। और बाकी गाइस भूल मत जाना 150 लाइक का गोल है, और अगर तुम लोगों ने कंप्लीट कर दिया तो यस आई विल शेव दिस, ओके ठीक है, अगली वीडियो गारंटीड क्लीन शेव में होगी अगर तुम लोगों ने कंप्लीट कर दिया एक दिन के अंदर, ठीक है। तो यस बाकी गाइज मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल यार, 800K की तरफ को जाना है गाइज, और शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके, और अपने आइडियाज देना कि हम लोग इस टनल में और क्या क्या कर सकते हैं। देखो बोट वाला तो बहुत तगड़ा है, ठीक है, उससे हम लोग बहुत तेज जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी आइडिया है तो वो भी बताना, बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू गाइज एंजॉयड, और मिलते हैं अगली वीडियो में।